बहुत बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मथुरा जनपद में बहुजन समाजवादी पार्टी से लोकसभा 2024 के प्रत्याशी कमलकांत उपमन्यु को घोषित किया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी की घोषणा के लिए डेम्पे नगर में स्थित स्थानीय होटल में बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें बहुजन समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली के द्वारा मथुरा जनपद की बहुजन समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी की घोषणा की गई, जिसमें मथुरा जनपद की वरिष्ठ पत्रकार एवं ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष पंडित कमलकांत उपमन्यु को बहुजन समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी घोषित किया गया। इस दौरान बहुजन समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली, पूर्व राज्य मंत्री गोरेलाल, कोऑर्डिनेटर लक्ष्मण सिंह मथुरा जनपद के, बहुजन समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह शाहिद, बहुजन समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने पुष्पा के प्रत्याशी पंडित कमलकांत उपमन्यु का माला एवं पटका पहनाकर स्वागत किया। वहीं बसपा प्रत्याशी पंडित कमलकांत उपमन्यु ने कहा कि मथुरा की जनता पिछले 10 साल से लगातार धोखे में रही है। भारी प्रत्याशी के द्वारा मथुरा की जनता क्या समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मथुरा की जनता को अब अपने बीच के प्रत्याशी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मथुरा जनपद की जनता को बहुजन समाजवादी पार्टी का बहुमत मिला तो वे मथुरा की हर एक समस्या का समाधान करेंगे, मथुरा में हो रहे बंदरों की समस्या का भी समाधान करेंगे। मैं सबसे पहले ब्रजवासियों को प्रणाम करता हूँ उनके चरणों में, और मेरी हैसियत नहीं है, वो 10 साल से जो सांसद है हमारी, उनके आर्थिक स्थिति में मैं बाल के बराबर नहीं हूँ। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने मेरे पर भरोसा 25 साल पहले 99 में जब अटल जी की एक वोट से सरकार की थी, जब मुझे लड़ाया था तो कुछ ही हरा, 1000 वोटों से रह गया था, मैं लाखों में नहीं हारा था। ब्रजवासियों ने इतना प्यार दुलार दिया और आज पुनः बहन जी ने मेरे पे विश्वास जताया है। माननीय हमारे पूर्व राज्य मंत्री गोरेलाल जी और राष्ट्रीय महासचिव पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली साहब, हमारे कोऑर्डिनेटर लक्ष्मण सिंह, ये सारे पूरी टीम जिले की, जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह, जिला प्रभारी दारा सिंह, ये सारे लोग यहाँ मुझे लेकर के गए। भैंगी ने याद किया है, भैंगी से मुलाकात हुई, भैंगी ने बड़े प्यार से बोले ये पुराने हैं, इनको दोबारा लड़ाएंगे, मौका दिया है। और ब्रज के इतिहास में यहाँ एक और बात मैं कहने जा रहा हूँ, लोकतंत्र का महापर्व है, मैं सभी ब्रजवासियों को कहूँगा हाथ जोड़ के उनके चरणों में मतदान जरूर करें, किसी को भी दें हाथ जोड़ के, क्योंकि महाकुंभ है। और महाकुंभ ये है कि आजकल महारानी के पेट से और महल के गेट से राजा नहीं निकलता, मतपेटिका से निकलता है, और गरीब माँ के पेट से जन्मा हुआ, जैसे कुमारी बहन मायावती जी और माननीय काशीराम जी जनपति बने हुए। मैं कह रहा हूँ योगी मोदी नरेंद्र सिंह सब गरीब माँ के पेट से, कोई राजा महल से नहीं बने। तो मेरा निवेदन ये है कि आप सब वोट जरूर डालें, उस बेटी से राजा निकल ले। मेरा करना भी, और रही बात मुद्दों की, तो हम 10 साल से ब्रजवासी ठगे महसूस हो रहे थे। हमने सोचा था पहली बार में हमारे बीच इतनी प्रख्यात सांसद चुनी जा रही है जो पूरा ब्रज का विकास कर देगी अपने प्रभाव से। न यमुना शुद्धि का वादा किया, बंदरों की मुक्ति का वादा किया, यातायात और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन मथुरा में देने का वादा किया, और महिलाओं के लिए उन्होंने क्या क्या घोषणा पत्र दिए थे, ब्रजवासियों ने उन्हें भारी बहुमत से जिताया। उसके बाद मैं तो कहता हूँ उनके साथ जो चले गए राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक दल के जयंत चौधरी तक को ब्रजवासियों से नकार के हेमा जी को जिताया, लेकिन वो अपने वायदों पर खरी नहीं उतरी। दोबारा से जब आक्रोश का सामना हुआ तो मुख्यमंत्री की सभा में वही हेमा मालिनी जी बोली कि आखिरी बार मुझे दे दो, अगली बार चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो ब्रजवासियों ने कहा आखिरी बार है, ये आपके वायदा पूरा करके जाएंगी, आगे लड़ेंगी नहीं, दोबारा जिता दिया। लेकिन अब तीसरी बार आ गई है और इन्होंने बीजेपी के ही बड़े बड़े नेताओं को धोखा दे दिया, क्योंकि जब मंच से इन्होंने ये बात कही ना कि मैं नहीं लड़ूंगी, तो सारे लोग अपने क्षेत्र में तैयारी कर रहे थे कि आपके हम लड़ेंगे, और ये तिवारा आ गई, उनके सपने चकनाचूर कर दिए। ये बाहरी लोग अपने प्रभाव से टिकट तो ले आते हैं और जीत के चले जाते हैं, उनको ब्रजवासी की सेवा का समय ही नहीं है। यमुना शुद्ध कहने की बात कही थी कि यमुना शुद्ध हो गई, आप लोगों ने पूछा, मेरे ट्वीट भी देखा, तो उसमें इन्होंने कहा 14 में से 20 नाले मैंने बंद कर दिए, बताइए कौन सा गलत है, 14 में से 20 नाले बंद हो गए, तो फिर यमुना शुद्ध हो गई होगी जब 20 नाले बंद हो गए। तो आरोप कहते गए प्रचार में दिखती है, यमुना पे कचरों बैठ के एक लोटा जल आप लो, यमुना जल एक में लूंगा। हमारे यहाँ आज भी आस्था है उसी यमुना जल से, ठाकुर जी की रसोई बनती है मंदिर में,
उसी जिसको ये आचरण नहीं आचरण करें, और एक मेरी आपसे निवेदन, मेरी बात वहाँ तक पहुँचाइए हेमा जी तक कि आप आइए, मैं भी प्रत्याशी हूँ, आप भी आमने सामने लड़ रहे हैं। पहले यमुना जल शुद्ध हो गया तो एक लोटा मैं तो आस्था में पीऊंगा, आप भी पी के दिखाइए अगर यमुना शुद्ध है तो। दूसरी बात, यातायात जाम रहता है, यातायात की कोई व्यवस्था नहीं है, और सबसे बड़ी बात 2014 से 19 के बीच में जो हर हारे हुए जीते हुए को 5 करोड़ रुपया सांसद निधि मिलती है, इन्होंने केवल 15 करोड़ ही निकाले, 10 करोड़ सरकार के खाते में लैप्स हो गए, जो ब्रजवासियों की सेवा में आते वो लैप्स हो गए। 15 करोड़ में भी केवल 80% यूथ हुई, 20% उसमें भी चली गई धनराशि वापस। आप बताइए ये सांसद निधि को आवंटित करने का समय नहीं है इन पे, आवंटित करने का और योजनाओं की बात छोड़ो, तो ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपसे कि इन पे समय का अभाव है और ब्रजवासी खगासा महसूस करते हैं इनको प्रत्याशी पाकर के। आपके सबको देखा बार बार, आपके अपने भाई को ब्रजवासियों बाहरी नहीं हूँ, आपसे कोई धोखा नहीं करूंगा, आपके बीच में ही रहूंगा मैं। ये हमारे पूर्व MLC बघेल साहब हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, सम्मानित सब ने पूरे आस्था से मुझे प्रत्याशी बनाया है, आमने सामने का मेरा वो है, 10 साल उनको देख चुके हो, एक बार मेरे अपने ब्रजवासी भाई को विश्वास करो, मैं यमुना मेरी माँ है, कृष्ण भगवान की आराध्य और कृष्ण भगवान की पटरानी है, और मैं नेत्र प्रति जाता हूँ, मेरी सोशल साइट पे वीडियो देख लो, मैं वहाँ सेवा करने भी जाता हूँ, लेकिन हेमा जी से अनुरोध करता हूँ आप भी आइए, हम भी चलते हैं, एक एक लोटा जल पियेंगे अगर शुद्ध है, वो पी के दिखाएं आरओ के पानी को गरीब परिवार कैसे पी लेगा, उसका प्रचार ही आती है, यमुना जी के प्रचार करें। वेलकम टू द ड्रीम बेस ऑफ योर चाइल्ड, कान्हा माखन मिलेनियम स्कूल, द ओनली प्लेस इन वृंदावन दैट ऑफर्स द बेस्ट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज थ्रू अ वेल रिसोर्स्ड एक्टिविटी रूम, modern classrooms, futuristic computer and STEM laboratories, dedicated space to train vocals and learn instruments, state-of-the-art sports facilities, a well-stocked library and cooking lab and recording studio, which provide learning experiences still rare at school level. Because we believe a modern child requires modern facilities to groom. इस हॉस्टल में 500 बच्चे नहीं, 500 माओं का भरोसा भी रहता है। सिस्टर्स ऑल आउट, सिर्फ ऑल आउट है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित, तो आप चांस लेंगे या ऑल आउट। अब पाएं स्पेशल ऑफर्स और डेंगू मलेरिया को करें ऑल आउट। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर OT, इमरजेंसी ICU, PICU, NICU सभी प्रकार के सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।